हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हल्दी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है सफ़ेद हल्दी यानी आंबा हल्दी। दोस्तों, ये हल्दी जो होती है ये आपके मोच के दर्द को ठीक कर सकती है, आपके मोच को ठीक कर सकती है। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी मांसपेशियों में दर्द है, अकड़न है और चोट लग गई है तो उस दर्द को बहुत जल्दी खींचती है, बहुत जल्दी हमें रिलीफ मिलता है मांसपेशियों के दर्द से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहीं पर चोट लग गई है, कहीं पर भी घाव है तो इस हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने घाव को भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कौन सी हल्दी की बात कर रही हूँ। दोस्तों, ये वो हल्दी है, नॉर्मल हल्दी से थोड़ी अलग है। दोस्तों, आप सभी को पता है हल्दी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आती है जो रोगों को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन दोस्तों, ये आंबा हल्दी है, इसे सफ़ेद हल्दी भी बोलते हैं, ये नॉर्मल हल्दी से थोड़ी सी अलग, क्योंकि इस हल्दी का जो पेड़ होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती है, नुकीली होती है। साथ ही ये हल्दी अंदर से लाल होती है, जबकि हम नॉर्मल हल्दी जो रहते हैं वो अंदर से पीली होती है। इसे सफ़ेद हल्दी भी बोलते हैं। एंड इसकी तासीर जो होती है ये नॉर्मल हल्दी से भी ज़्यादा गर्म होती है। इसकी जो खुशबू होती है वो नॉर्मल हल्दी से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी तीखी होती है और इसकी हल्दी थोड़ी सी कड़वाहट लिए होती है। ये भी थोड़ी सी कड़वाहट के साथ होती है, थोड़ी अच्छी खासी कड़वाहट होती है इस हल्दी के अंदर। एंड हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो डेली के खाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आंबा हल्दी बोलते हैं। आंबा हल्दी स्पेशली जब हमें मांसपेशियों में दर्द होता है या फिर हमारे शरीर की जोड़ों में कहीं पर भी खिंचाव आ गया हो, नसों में खिंचाव आ गया हो, मोच आ गई है, हड्डी हल्की सी क्रैक हो गई है, टूटी नहीं है, टूटेगी तो फिर वो आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हल्की सी क्रैक सी हो गई है या मोच सी आ गई है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे आंबा हल्दी के बारे में ज़रूर पूछिएगा, वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ, आंबा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रोगों में। वो इसकी जानकारी आपको पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से देंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल आज से नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद में किया जाता है। आपको कैसे यूज करना, चलो मैं आपको बता दूँ। आपको मार्केट से ये आंबा हल्दी लानी है, ये इस तरह मिलेगी आपको किसी भी किराने स्टोर पर या फिर जहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। इसे सुखा कर इस तरह बेची जाती है। इसको क्या है, इसे आप सीधे मिक्सी में नहीं पीस सकते हो, इसे आपको किसी कूटने वाले में, खल मूसल जो कहते हैं ना, उसमें आपको कूटना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसको अच्छी तरह से कूटेंगे तो वहीं एक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। बट अगर इसका पाउडर उस टाइम नहीं बन पाता है तो इसे तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे कर लेते हैं, उसके बाद मिक्सी में आप इस तरह, ये हल्दी में हटा देती हूँ, इस तरह आप ये पाउडर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये आंबा हल्दी का पाउडर तैयार है। ये आपको पीली पीली नज़र आ रही है, पर इसका जो पीलापन है वो हल्की सी रेडिश टाइप की होगी, बिल्कुल जो लाइट सा पीला कलर होता है, डार्क पीला कलर जो भी होता है, उस हल्दी से इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं वो हल्दी भी ले आती हूँ, दोनों एक साथ दिखाती तो आपको जो डिफरेंस है साफ साफ समझ में आता, बट मैं भूल गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको आंबा हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है अपने मोच के दर्द को दूर करने में, आपके अपने मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में। तो आपको क्या करना है, आंबा हल्दी को पीस कर इस तरह आपको पाउडर तैयार कर लेना है। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, आपका कड़वा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, उसके साथ आपको इसको तैयार करना है। और दूसरा है चूने के साथ, जी हाँ, चूना, खाने वाला पान में जो चूना लगता है उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों दोनों ही तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पर तेल के साथ इसका इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या करना है, कड़वा तेल बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो चूना होता है वो कभी कभी आसानी से नहीं मिलता है, हर किसी के घर पर नहीं होता है, आपको पान वाले की दुकान से लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कड़वा तेल लेना है, और कड़वा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और उसमें आपको हल्दी ऐड करनी है और इसको पकाना है। उसके बाद आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसे अपने मोच पे इस्तेमाल करना है, अपने मांसपेशियों के दर्द पे इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको बता दूं ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है और साथ ही आंबा हल्दी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे चोट के दर्द को खींच लेता है, यानी ये दर्द निवारक है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ये हमारे दर्द को खींचता है, हमारी चोट को खींच लेता है और
जब हमें चोट लगती है तो हमारे जब हमें मोच लगेगी या मांसपेशियों में दर्द होगा तो शरीर में सूजन आ जाती है, उस भाग में सूजन आती है। तो ये सूजन को ख़त्म करता है क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है और वो ये जो होता है वहाँ की सिकाई कर रहा है। तो सिकाई करने की वजह से और पेन किलर होने की वजह से ये हमारे दर्द को खींचता है और हमारी चोट को भरता है, बहुत जल्दी हमारी चोट में रिलीफ मिलता है। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो दोस्तों आपको बस सिंपल से यही करना है, इसका इसका पाउडर तैयार करना है और सरसों के तेल में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना है। ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। दोस्तों मैं ऐसे खाने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि इसकी तासीर गर्म रहती है और हर किसी को सूट नहीं करती, इसलिए अगर आप इसे इसका सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि इस रोगों में इसका सेवन किया जाता है, डायबिटीज वगैरह के लोग भी इसका सेवन करते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें उसके बाद ही इसका सेवन करें। और आपको बता दूं आमा हल्दी को लेकर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान जो भी साइड इफेक्ट है मैंने इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो आप लोग के साथ, पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है और आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये मैंने 2 साल पहले शेयर किया था और आज भी आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि आंबा हल्दी के बारे में मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूँ मेरे पापा को चोट बहुत लगती थी, अक्सर उनका एक्सीडेंट हो जाता था, गाड़ी वगैरह से बहुत ज़्यादा गिरते थे, तो दादी उनको आंबा हल्दी का पेस्ट लगाती जिससे उनको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी रिलीफ मिलता था। तो मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है आपके घर में भी इस्तेमाल किया जाता हो और आप भी इसके फायदे से परिचित हो। तो दोस्तों अगर आपने भी इसका इससे पहले इस्तेमाल किया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और अपना अनुभव मेरे साथ और मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो इस तरह मैंने आंबा हल्दी के बारे में जाना और बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा भी है और देखा भी है, तो इन सब का फुल डिटेल मैंने आप लोग के साथ पहले भी एक वीडियो में अपलोड किया है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, उन बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं, तो वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे और वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है वो वीडियो आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा यूजफुल वीडियो, आई होप ये आप लोग के लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। और दोस्तों आंवला हल्दी को लेकर या नॉर्मल हल्दी को लेकर या आपको अगर कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में लगी घंटी बजा देना, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको बता दूं मेरा एक और चैनल है मैंने अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लैम श्रुति, जहाँ पर मैं आप लोग के साथ मेकअप से रिलेटिव या प्रोडक्ट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल ग्लैम श्रुति को भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।